वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीलिम्स पॉलिटी वीजी नाइस टेस्ट सीरीज़ के। तो इसमें हम 21 ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इट इज़ ए स्टैचुरेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। नहीं, ये 2005 का एक एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। ये सही बात है कि स्टैचुटरी बॉडी है, बट 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो पहला गलत हो जाएगा। इट इज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ एजेंसी टू मोनिटर प्रोविजन्स ऑफ द RTE एक्ट। बिल्कुल ये सही बात है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परख पोर्टल प्रोग्राम। परख पोर्टल प्रोग्राम ये जो है हमारा एजुकेशन के रिलेटेड है। तो इट विल कंडक्ट असेसमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट स्कूल्स। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ये जो है एसेस करने का काम करेगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का, और इसको लॉन्च किया गया है AICT। तो हमारे जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन लिबरलिज्म गिव प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। और रिजर्वेशन फॉर SC ST कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। तो जो ये मतलब हमने जो रिजर्वेशन SC ST को दी है हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडियन लिबरलिज्म की एग्जाम्पल है। ठीक, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है, बट इंडियन लिबरलिज्म गिव प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और राइट्स ऑफ कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। राइट मतलब इंडिविजुअल को प्राइमेसी और द राइट्स ऑफ कम्युनिटी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट बन जाती है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर इसमें 2 ओनली, ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है सही हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से विच ऑफ द इशूज़ कैन बी टेकन अप बाई द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, में से कौन कौन से इशू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ले सकती है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये ह्यूमन राइट्स के साथ डील करेगा। तो इसमें मैनुअल स्केवेंजिंग बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के साथ डील करता है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इशूज़ रिलेटेड राइट ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों इशूज़ जो है वो NHRC डील करता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है इसको कौन पब्लिश करता है, तो जो इसको पब्लिश करता है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट एक गैस लगा सकते हैं हम कि एम्प्लॉयमेंट है तो लेबर आएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें कंडीशंस एंड हमने बताना कि इसमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्यूर ऑफ ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। नहीं, इट ये कंडीशंस ऑफिस और टेन्यूर नहीं डिस्कस किया गया इसमें, बल्कि इट इज़ अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसलिए हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सरसाइज वीटो पावर, वीटो पावर नहीं होती इसमें, इसमें डिसीजंस मेजोरिटी के साथ डील करती है ना, जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा तो उसके हिसाब से होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, कंडीशन एंड ऑफिस ऑफ टेन्यूर ऑफ, तो सी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, क्योंकि 5 और 65 ये दो इसके क्राइटेरिया, या 5 ईयर्स टर्म कम्प्लीशन हो गई है, 65 ईयर जैसे अटेन हो गई तो उसी टाइम पे, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग प्रिंसिपल है, तो इसीलिए हमारा जो सही है बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैव एन इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। प्रेजिडेंट रूल का कोई इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पे? इट इज़ ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड मार्शल रूल जो कि फंडामेंटल राइट्स का इफेक्ट पड़ता है, बट ड्यूरिंग प्रेजिडेंट रूल देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 27 का जो है वो ए हो जाएगा। ठीक, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें पूछा गया बेसिकली कि इफेक्ट किसका करेगा फंडामेंटल राइट्स पे, तो नेशनल इमरजेंसी और मार्शल रूल का इफेक्ट होगा, प्रेसिडेंट रूल का नहीं होता है ना, तो इसलिए हमारा आंसर 2 एंड 3 वाला आ जाएगा सी पार्ट।
तो अब हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP, क्योंकि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड की थी. टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. ये आर्टिकल 39A जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का DPSP का पार्ट, वो हमें ये वाली चीज़ प्रोवाइड करता है. टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. ये दो बेसिकली उसमें पार्ट नहीं है. तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा 1 and 2. हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट. इसमें से कौन कौन प्रेजिडेंट के प्लेजर में ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं. अटॉर्नी जनरल भी जो है ही डजेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द. हमने बताना कि इसमें से कौन से हैं जो ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर में होल्ड नहीं करते हैं. तो CAG, मेंबर ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये तीनों जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग है इनकी, तो ये ऑफिस जो है अपना होल्ड नहीं करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. जबकि अटॉर्नी जनरल के टर्म में वो ऑफिस जो है अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसमें होल्ड करता है, तो इसमें इन तीनों में नहीं करता है. तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है 2, 3 and 4 हो जाएगा. फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पद्म अवार्ड. ए पद्म अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द कॉन्फर्मेंट ऑफ द अर्लियर अवार्ड. ठीक है, ठीक. कैन बी गिवन हायर अवार्ड 5 साल के बाद दिया जाता है. ठीक है, तो पद्म अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी. बिल्कुल सही है ना, इसको यही लोग हेड करते हैं. द प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड. ऐसा नहीं होता, अगर रेसिपिएंट की कंसेंट लेनी होती तो फिर हम जो अक्सर सुनते हैं कि किसी ने पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया, तो वो चीज़ होती नहीं अगर रिटन कंसेंट थी. तो बेसिकली थर्ड हमारा गलत हो जाएगा. 1 and 2 जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और हमने उनको कहाँ से अडॉप्ट किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं फ्रांस से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हमने फ्रांस से नहीं लिए, DPSP आयरलैंड से और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से. तो ये और ये हमारा 2 and 3 सही हो जाएगा. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इलेक्शन कमीशन इट हैज़ बीन एम्पावर टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत थ्रू 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक, क्योंकि जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पंचायत है उनको पावर्स दी गई है ना. द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सिटीज वेस्टर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स हिज एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेंड टू द गवर्नर. स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करता है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट के लिए अलग से रहता है. तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो 1 and 2 हो जाएगा. ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर ST. इसमें से हमने बताना है कि कौन सा सही मैच किया गया है. अब जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर नहीं आता है. कमीशन फॉर वुमेन, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, ST ट्राइबल अफेयर्स में आता है. तो इसीलिए हमारा जो है 2nd and 3rd इसमें सही हो जाएगा. विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी. फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बिल्कुल सही बात है. और द मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और 65 years, नहीं ये गलत है. द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो 1 and 3 हमारा सही हो जाएगा. रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक वॉज अवॉर्डेड स्केड्यूल्ड बैंक स्टेटस बाई RBI. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एवरी स्केड्यूल्ड बैंक इज एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस. पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड ATM कार्ड. ठीक, पेमेंट बैंक डिपॉजिट लिमिट इज 1 lakh per person, नहीं. तो इसलिए हमारा 1 and 2 सही हो जाएगा.
इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स विच द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इट। तो इसमें द जुडिशियरी एंड पोलिटिकल प्रैक्टिस हैज शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये एक रीज़न होगा इसका कि इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स। Who among the following are not eligible for further office either in center or state after they cease to hold their respective offices? तो इसमें बेसिकली कौन री एलिजिबल नहीं होता है री अपॉइंटमेंट के लिए, तो हमें वो बताना है। सी ए जी, है ना, पहला लॉ पर्सन जो हमारे इंडिया का आता है लॉ अथॉरिटी, तो सी ए जी नहीं सॉरी कंट्रोलर, इसका काम होता है कंट्रोलर ऑडिटिंग करना, है ना। तो बेसिकली वो तो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए, है ना। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, हमें पूछा कि आर नॉट एलिजिबल, है ना, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो हमारा फर्स्ट इसमें जो है सही हो जाएगा कि हमारा सी ए जी इट इज ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। टू सजेस्ट मेजर टू बी टेकन ओवर और कन्फरिंग ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ये करता है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद डेप्रिवेशन ऑफ राइट, तो पीसा एक्ट 1996। तो बेसिकली तीनों के तीनों हमारे जो है सही हो जाएंगे, तीन चीज़ों के साथ हमारा ये पार्ट डील करता है ना। Which of the following are envisaged the right against exploitation in case of constitution in India? Protection against arrest and detention are envisaged right against exploitation. तो right against exploitation में कौन सा आता है? Prohibition of employment, है ना? Protection against arrest and detention तो basically freedom of speech and expression में वाला part है, उसमें आता है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये हमारे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में आते हैं सी पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द इंडियन अल्टरनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक। इट एबॉलिश्ड द गवर्नर जनरल इन इंडिया, नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंस के बाद भी पहले थे, है ना। दो इट डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पर मॉन्स्योर इंडियन प्रिंसिपल स्टेट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वन हो जाएगा। तो 40 का जो हमारे पास सही ऑप्शन आके निकल के आता है वो है वन ओनली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।